हरिओम। आज 25 मई दिन मंगलवार 2021 हम चर्चा करेंगे आज के पंचांग की, आपके राशिफल की। तो अगले 5-6 मिनट तक मैं आपके साथ बना रहूंगा और इन चीजों की चर्चा करूंगा। उससे पूर्व आज जिनका भी जन्म दिवस है, जिनके विवाह की वर्षगांठ है, उन सबों को बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, शुभ आशीर्वाद। आज नृसिंह भगवान के अवतार दिवस भी है और साथ ही साथ माता छिन्नमस्तिका का अवतरण दिवस भी आज हम लोग मानते हैं। उन्हें इन दोनों भगवान प्रभु और माता श्री के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए स्मरण करा दूं पहले आपको कि यदि मेरे YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले, ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे निरंतर निर्बाध रूप से, और प्रियजनों को शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। आइए सीधी चर्चा करते हैं आज के पंचांग की। और पंचांग में मैं बता दूं, मैं इन मुहूर्तों की चर्चा भी करूंगा कि किस कार्य को किस समय करना है, किस कार्य को नहीं करना है। उसके बाद हम 12 राशि की चर्चा करेंगे। तो विक्रम संवत 2078 साके 1943 वैशाख मास की शुक्ल पक्ष है और चतुर्दशी तिथि है, जो रात्रि 7:22 तक रहेगा, उपरांत उसके पूर्णिमा लग जाएगी। स्वाति नक्षत्र है, प्रातः 5:38 तक ही है, तदुपरांत अनुराधा नक्षत्र को लग जाना है और चंद्रमा आज तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त के मध्य में किसी भी यात्रा का प्रारंभ या शुभ कार्य का प्रारंभ किया जाना यह चिरकाल तक शुभ फलदायी होता है, मधुर फल देने वाला होता है, जो कि आज 11:19 से 12:13 तक रहेगा प्राण काल में। इस बीच में कोई भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। ठीक इसके विपरीत राहु काल की भी चर्चा हो जाए, जो 3 से लेकर 4:30 तक रहेगा प्राण, किंतु यह मैं बता दूं आपको, इस 1.5 घंटे के कालखंड में किसी भी यात्रा का प्रारंभ या शुभ कार्य का प्रारंभ नहीं किया जाता है, बिल्कुल वर्जित है। लेकिन अति अति आवश्यक हो, नहीं टाला जाए, करना ही है, तो आपके रसोई में गुड़ है, थोड़ा सा गुड़ का एक टुकड़ा ग्रहण करें, हनुमान जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करके आप कार्य का प्रारंभ करें, आपका दिन मंगलमय हो। लेकिन चर्चा कर लूं कि आज आपको किस दिशा पे नहीं जाना है। उत्तर दिशा और वायव्य की ओर जाना, आज यात्रा करना निषेध है, नहीं जाना है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि यात्रा टाला नहीं जा सकता है, टालना असंभव है, अति आवश्यक है, तो गुड़ खाकर करेंगे यात्रा। आइए चर्चा कर लूं 12 राशि की। इसमें सबसे प्रथम चर्चा करूंगा मेष राशि की। प्रेम प्रणय के क्षेत्र में आपको लाभ और उन्नति होनी है। मेष राशि के जातकों को बढ़िया है, प्रेम बना रहे आपका, जबकि वृष राशि के जातकों को बताऊं कि ऋण भार से मुक्ति मिलेगी। ऋण तो एक अभिशाप है, किसी कारण से हो गया होगा, लेकिन चलिए ऋण भार में मुक्ति मिलेगी और उससे आप निवृत्त होने वाले हैं। आज मिथुन राशि की चर्चा करूं, मनोयोग के कारण सफलता। मनोयोग बहुत बड़ी चीज है, विल पावर भी इसका दूसरा पक्ष कह सकते हैं। आपके आत्मविश्वास, मनोयोग, मन से तैयारी करके मनोयोग से किसी कार्य को करना आपके कार्य क्षमता को बढ़ाता है और आप उसमें सफल होते हैं, जो आज मिथुन राशि का होना है। जबकि कर्क राशि की बात करूं तो घरेलू वातावरण सुखद रहेगा, आनंद का विषय है। जब सारे सुख मिल जाते हैं और घर की सुख नहीं है तो सारा फीका पड़ जाता है, लेकिन संसाधन थोड़े कम भी हैं और घर में शांति सुख संपदा है तो आगे आनंद होता है। आज आपके साथ वैसे ही होना है। और सिंह राशि वालों को बताऊं कि भाइयों के साथ मंत्रणा कर कार्य करनी चाहिए। किसी कार्य की योजना बन रही है, मन में कुछ विचार उत्पन्न हो रहे हैं, ये कार्य करने के विचार बन रहे हैं, तो भाइयों के साथ बैठे थोड़ी मंत्रणा करें, विचारों का आदान प्रदान हो और योजना तय करके बनाकर फिर इसमें आपको आगे बढ़नी चाहिए, निश्चित इस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। कन्या राशि वालों को बता दूं, निवेश से लाभ मिलेगा, इन्वेस्टमेंट। कन्या राशि वाले, आज यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आने वाले समय में जब परिणाम आएंगे
तो आपको सकारात्मक परिणाम देगा, लाभ देकर जाएगा। तुला राशि वालों को बता दूं कि दिनचर्या आनंद पूर्ण व्यतीत होगा आपका, सारा दिन मस्ती में रहेंगे और सारा दिन भी आपको सकारात्मक आपको व्यतीत होगा, बहुत ही अच्छी बात है, प्रतिदिन ऐसा ही हो। वृश्चिक राशि वालों को बता दूं, विदेश से लाभ, समझने की बात है, या तो आप विदेश में हैं या आपके कोई परिजन विदेश में रहते हो या आपका कोई व्यवसाय विदेश से संबंध रखता हो, आपको लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ, धन लाभ उस माध्यम से, बहुत अच्छी बात है। धनु राशि वाले भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आपकी भी जो प्रतीक्षा बहुत दिनों से है, बहुप्रतीक्षित योजनाएं, जो अटक सा गया था, रुक सा गया था, मन बेचैन था, वो सफलीभूत हो जाएगा, सारी योजनाएं सफल होनी है, तो आपको बधाई, लग जाए उस कार्य में, बड़े गुरुजनों को प्रणाम करके अपना योजना को सफल कराने में आप लग जाए। मकर राशि के जातकों को बता दूं कि कर्म क्षेत्र में लाभ मिलेगा, आपका कर्म क्षेत्र कुछ भी हो, आप बिल्डर हैं, आप पत्रकार हैं, आप ज्योतिषी हो, आप व्यवसायी हैं या नौकरी के क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में आपको लाभ मिलने वाला है। और कुंभ राशि के जातकों को बताऊं, धार्मिक अनुष्ठान के लिए उत्पन्न है, ऐसे काल में, कोरोना काल में ज्यादा से ज्यादा समय धार्मिक कार्य में लग जाए, बच्चों को संस्कार भी मिलेगा, मन की शांति भी मिलेगी, मन में जो नेगेटिविटी का एक वातावरण बना हुआ है भयाक्रांत, उससे भी शांति मिलेगी और भगवान शक्ति प्रदान करेंगे, यह कार्य भी हो जाएगा, तो बिल्कुल करें। बाकी लोगों को भी बताऊं कि धार्मिक अनुष्ठान छोटे बड़े करते रहें। अंतिम राशि मीन राशि की भी चर्चा हो जाए, अचल संपत्ति के लाभ होने वाले हैं आपको, बड़ी संपत्ति, अचल संपत्ति के लाभ होंगे, इसके लिए भी आपको शुभकामना। और कल पुनः किसी नए वीडियो के साथ में मुलाकात होगी, मैं पुनः स्मरण करा दूं, सब्सक्राइब कर लें मेरे YouTube चैनल को, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें, बेल बटन दबा दें और अपने जनों को शेयर करना भी न भूलें। तो मुस्कुराते रहें, ऊर्जावान रहें, कल पुनः मुलाकात होगी। ओम तत्सत।